बहुत ही सत्कारयोग दोस्तों, आज बहुत देर बाद मैं अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप जी के सामने पा रहा हूं। रोज तुसी मेरी आवाज जरूर सुनते हो, पर लाइव रूबरू आज पहली बार होने का मौका मिला है। दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने परसों अपने एक वीडियो संदेश के राही देश के लोगों को अपील की कि 5 अप्रैल 2020 रात को 9 बजे 9 मिनट मैनू दिओ। उन्होंने 9 मिनटां दे विच उन्होंने बेनती की कि घर दीआं सारीआं बत्तियां बंद करके पूरी तरह हनेरा करके उस तो बाद अपने घर के बाहर या अपनी बालकोनी दे विच खड़ के असी मोमबत्ती जलाइए, दीपक जलाइए या अपनी मोबाइल दी टॉर्च दे राही रोशनी करिए ताकि पूरे देश दे विच एकजुटता दर्शाई जा सके। प्रधानमंत्री जी का यह संदेश बहुत मायने रखता है। बहुत सारे लोगों ने इस नूं रूढ़ीवादी विचार कहा, बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि यह कोई विज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन दोस्तों बहुत सारिया गल्लां विज्ञान की परिधि तो दूर होंदियां ने, बहुत सारिया गल्लां साडे दिल नाल जुड़ियां होंदियां ने। प्रधानमंत्री साडे देश दे मुखिया ने, यह उन्हां दी जिम्मेवारी है कि देश के हर नागरिक नूं एक सेध विच जोड़िया जाए, एकजुटता दे विच लिआंदा जाए ता कि जो अज महामारी करोना के रूप दे विच साडे देश दे उपर संकट खड़ा करी बैठी है उस संकट नूं असीं दूर कर सकीए। इस संकट नाल लड़न वास्ते सानूं एक बहुत ही संगठित लोड़ां दी लोड़ है, संगठित कोआर्डीनेटेड एफर्ट सानूं करने पैणगे ते देश दे लोकां नूं संगठित करन वास्ते, उहनां नूं एक सेध दे विच लिआउण वास्ते इहो जिहे भाषण इहो जिहियां संदेश सानूं बहुत लोड़ींदे ने कि असीं सारे इकट्ठे हो के इस महामारी दे नाल लड़ीए। सवाल सिर्फ दीपक जलाउण दा नहीं है, सवाल सिर्फ मोमबत्ती जलाउण दा नहीं है, क्योंकि इस चीज़ का एक मनोविज्ञानिक आधार है। देश का मुखिया यह जानता है कि लोगों को एक लड़ी में परोण दे लई उन्हें किसी ऐसे काम पर लाया जाए कि असी सारे इकट्ठे होकर एक अहद कर सकी, एक प्रण कर सकी कि इस महामारी के नाल असी इकट्ठिया होकर लड़ना है। प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले संदेश दे विच एक कहा सी कि जेकर असी 21 दिन के लॉकडाउन सफल बनाने विच असफल हो गए तो देश 21 साल पिछे चले जाएगा। दोस्तों, असी 21 साल पिछे नहीं जाना, असी देश नूं बचाउणा है, देश नूं संगठित करके देश दे लोकां नूं एक लड़ी विच परो के एक कोआर्डीनेटेड एफर्ट करना है ते प्रधानमंत्री जी दी एक कोशिश सिर्फ उस लड़ी दे विच एक पहला कदम है। असी इस कदम नूं अजाया नहीं जाण देणा, असी यह कह के कि इसका कोई विज्ञानिक आधार है इस नूं नकारना नहीं। बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि जदों सारियां बत्तियां बंद हो जाणगियां ते साडे ग्रिड फेल हो जाएंगे, यह पढ़े लिखे लोगों के संदेश नहीं, क्योंकि बिजली मंत्रालय वालों, केंद्रीय बिजली मंत्रालय वालों भी यह स्पष्ट किया जा सक चुकया है कि इस तरह कुछ नहीं होने वाला। असी अपने इनवर्टर नहीं बंद कर लगे, असी अपने पक्के नहीं बंद कर लगे, साड़ियाँ बहुत सारिया चीज़ा चलदिया रहनगियां, सिर्फ असी बत्तियां बजाउणियां ने, एक हनेरा करना है, क्योंकि साडे वास्ते साडे ऋषियां मुनियां ने एक संदेश दिता सी कि तमसो मां ज्योतिर्मय, कि हनेरे तो प्रकाश प्रकाश वाल असी जाना है। इसका विज्ञानिक आधार वह भी है, असी पता नहीं किहड़े विज्ञान के मगर लगे हुए हाँ, वह विज्ञान जिहड़ा हाले तक करोना की बीमारी की दवाई नहीं लभ सकिया, असी उस विज्ञान नूं नकारदे हाँ, असी उस विज्ञान नूं स्वीकारदे हाँ जो साडे बजुर्गां ने सानूं दिता है। आओ एक दीपक जलाइए, अपने मन के अंदर दीपक जलाइए ताकि एक ऐसा माहौल देश के अंदर पैदा हो सके कि इस महामारी को असी इकट्ठिया एक परिवार की तरह पूरी तरह नकार सकीए, इस महामारी तो देश को आजाद करा सकीए। एक होर आजादी की लड़ाई सानू लड़न की लोड़ है। बहुत बहुत धन्यवाद।